अपने ग्रामी कदर जनाब रफीक मुगल साहब, काशिफ न्याज भट्ट, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहर शाहकोट, दीगर अकाबरीन और कायदीन जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, मेरे सामने जो खवातीन हजरात बैठे हुए हैं, मैं सबको आज इस दफ्तर के इफ्तिताह की जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक लंबे अरसे के बाद जो है इस दफ्तर में हम दोबारा आए हैं। कुछ यहाँ पे तब्दीलियाँ आ रही थी इसकी कंस्ट्रक्शन में, जिसकी वजह से काम रुका हुआ था। इंशाल्लाह ताला हम इस दफ्तर को आबाद रखेंगे। मैं खुद भी बजाय घर बैठने के यहाँ पे, जब मैं सियालकोट में होऊंगा तो मैं दोपहर के वक्त जो है 11-12 बजे से लेके जोर तक यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। किसी भी सियासी जमात का फाल जो है दफ्तर होना बड़ा जरूरी है, और दूसरी बात जो बड़ी जरूरी है कि वहां पे जो लोग बैठे हों, जो हजरात वहां पे बैठे हों, फाजी वहां पे दफ्तर को चला रहे हों, उनका मुसलसल रबता जो है शहर के हर कोने के साथ होना चाहिए। मैंने 73 जो कौमी असम्बली का हल्का है उसमें शहर के अलावा PP 45 की भी यूनियन काउंसिलें शामिल हैं जो देहाती हल्के में आती हैं, ज़िला काउंसिल के अंडर आती हैं। तो ये एक मिक्स है शहर का ये हल्का और शहर का और देहाती हल्के का। जो अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको एक बड़ी अहमियत का मामला आपके सामने रखा है, आपको समझाने की कोशिश की है, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको बताई है उन्होंने। मेरी राय होगी कि इसकी एक वीडियो बनाए और एक किताबचा बनाए, क्योंकि ये जो गुफ्तगू में बातें जो है कुछ जेहन में रह जाती हैं, कुछ नहीं रहती। किताबचा होगा तो आप लोग जो है यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर जो है वर्कर्स को जो है ना तमाम तर तफसील जो है उससे आगाह कर सकते, और वो एक रिकॉर्ड की बात बन जाएगी कि ये प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। वोटर का खराज और वोटर का इंदराज जो है उसके करने के लिए ये बड़ी आम बात है। हर इलेक्शन से कुछ देर पहले जब कंप्लेन स्टार्ट होती है तो एक रौला पड़ जाता है कि जी इतने वोट जो है वो फलां जगह से निकल गए हैं और इतने वोट वहाँ फलां जगह से लेके फलां जगह चले गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन ने कि इस चीज़ की एक तस्दीक जो है इलेक्शन से वेल बिफोर इलेक्शन जो है वो कर ली जाए, ताकि ये इलेक्शन कमीशन के जो मुश्किल हैं वो बाद में जो है उनका सामना ना करना पड़े, ना इलेक्शन कमीशन को करना पड़े, ना वोटर को करना पड़े। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये बड़ी बड़ी सीरियस मामला है, इसको हमारे वर्कर जो है यूनियन काउंसिल के लेवल पे एक कमेटी बना दें जिसमें ख्वातीन भी हों, यूथ विंग के भी नौजवान हों, और साथ जो है जो जहादीदा या मुख्तलिफ इलेक्शनों के जो तजर्बाकार हमारे साथी हैं उनको भी उनकी सरबराही में बल्कि ये कमेटी बनाई जाए हर यूनियन काउंसिल की, और उस कमेटी का जो कंपोजिशन है वो यहाँ दफ्तर में मौजूद हो कि फलां यूनियन काउंसिल में 6 या 7 या 8 या 10 लोगों की ये कमेटी बनाई गई है, और ये कमेटी जो है ये सारा काम जो है ये वोटर के अफराज का तस्दीक का इंदराज का ये सारा जो है काम ये कमेटी हैंडल करेगी।
मेरा ख्याल है ये बड़ा ज़रूरी है। अब हमारी तंजीम शहर की भी है और पीपी के लेवल की भी तंजीम बन चुकी है, और उसके बाद कायदे मोहतरम ने खुद या नवाज शरीफ साहब ने खुद जो है जो यूनियन काउंसिल के लेवल की तंजीमें बनाने के लिए जो है ना मीटिंगों को खुद उनकी सदारत की है, जूम के ऊपर वीडियो के ऊपर उन्होंने खुद सदारत की है। इतना ज़्यादा उन्होंने इस पर जोर दिया है कि उन्होंने दो दो घंटे, तीन तीन घंटे, चार चार घंटे जो है मीटिंगों में उन्होंने जूम के ऊपर इस बात को अहमियत बताने के लिए खुद शिरकत की। तो ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का तमाम तर इसार जो है वो इस पे होगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ये आने वाले इलेक्शन जो है अगले साल होते हैं, मेरी जो सियासी तजर्बा है अच्छा है, अल्लाह का फजल से अच्छा है तजर्बा मेरा। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है अगले साल में किसी को तब्दील हो सकता है, और ये अचानक ही आपके सामने आएंगे, तो इसलिए कबल अज वक्त जो है कोई भी बात कबल अज वक्त नहीं होगी बल्कि बर वक्त होगी जो आप करेंगे। तो ये ज़्यादा देर जो है इसमें नहीं है। मुल्क के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, महंगाई जिस तरफ लेके जा रही है, आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है वो तबाही जो है पाकिस्तानी आवाम की वो पिछले 3.5 साल से जारी है, 1.5 साल इस हुकूमत का और है। खुदा न खास्ता अगर ये 1.5 साल और रह गए तो हो सकता है हालात इस हद तक दिगरगुम हो जाए, इस हद तक तबाहशुदा हालात हमारी इकोनॉमी के हो जाएँ कि उसको दोबारा उसकी तामीर करना जो है वो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। अजानें होनी शुरू हुई है, मैं ज़रा थोड़ी बात अपनी मुख्तसर करूँगा। तो ये सारी बात जो है ये तंजीम के ऊपर डिपेंड करती है, ये सारी इमारत जो है इसकी बुनियाद जो है आपकी तंजीम है वो यूनियन काउंसिल से स्टार्ट होगी, उसके बाद वो पीपी के लेवल पे होगी, उसके बाद जो है नेशनल असेंबली के लेवल के ऊपर, नेशनल असेंबली के हल्के के लेवल। ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को ये यूनियन काउंसिल के लेवल पे इजलास करके कमेटियाँ बना के यहाँ दफ्तर में जनरल सेक्रेटरी साहब को, प्रेसिडेंट साहब को जो है वो इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये अगर ये यूनियन काउंसिलें पीपी के जरिए आना चाहती हैं और बेहतर है कि पीपी की जो तंजीम है 36 की है, 45 की है, 37 की है, वहाँ से ये चीज़ें जो है ताकि हर लेयर पे, हर सतह के ऊपर जो है ये रिकॉर्ड मौजूद हो और जो भी एफर्ट हो रहा हो, जो भी कोशिश हो रही हो उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो ज़रूर। तो ये बड़ी आम बात है, अल्लाह के फजल से हमने एक नए दफ्तर का भी या पुराने दफ्तर में जो है एक नया जो है उसका आगाज़ किया है। तो ये एक मुनज़्ज़म तरीके से हमें ये सियासत करनी पड़ेगी। हमारा जो मद्दे मुकाबल है अल्लाह के फजल से जो महंगाई का सैलाब इनको इंशाल्लाह ताला तबाह कर देगा अल्लाह के फजल से। ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के आवाम सुरखरू होंगे और इनका असल चेहरा जो है ना वो अब कोई किसी की पहचान से कुछ शुभे वाली पहचान नहीं रहेगी। मैंने असेंबली में परसों मैंने एक मुख्तसर सी तकरीर की है इस मौजू के ऊपर। लोग ढूंढते हैं आप वो शख्स को जो कंटेनर पे वादे करता था, तो किधर है? या वो बहरूप था, और आजकल तो जो है वो तो हर बात असल है, सामने आ रही है, खुद भी एतराफ कर रहे हैं, खुद भी अपने आप की जो बातें हैं, अपनी बातें जो है उनकी तरदीद कर रहे हैं, उनके बिल्कुल मुखालफ जो है 180 डिग्री जो है मुखालफ जो है उसके बात करते हैं। लंबी बात है, फिर अगले 10-15-20 रोज में फिर कोई इज्तिमा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये महंगाई का अगले दिन हमने एक यहाँ पे मुजाहरा भी किया है, ठीक था अल्लाह के फजल से, लेकिन जितनी महंगाई है, जितनी ज़बरदस्त महंगाई हुई हुई है, जितनी तकालीफ है आवाम की जो है, तो मेरा ख्याल है कि मैं
اختتام کرتا ہوں کیونکہ اذانیں جو ہیں زور کی اذانیں جو ہیں لمبی ہوں گی، پانچ سات دس منٹ جو ہے یہ جاری رہیں گی، وقفہ بھی لمبا پھر کرنا پڑے گا. میں یہی بات کروں گا کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں، بڑے بڑے وفادار ان کے ووٹر جو ہیں، بڑے بڑے جو جانصار جو ہیں ان کے، وہ بھی اب ان سے متنفر ہو گئے. اسمبلی میں بیٹھ کے ہم لوگ اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جتنے فکر مند جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور کئی لوگ وہاں پہ جو مسافر لوگ ہیں، مختلف پارٹیوں سے بدلنے والے لوگ جو ہیں، وہ آلریڈی جو ہے اپنا بوریا کس طرح باندھ چکے ہیں کہ اب نئی منظروں کی طرف ہم نے جو ہے سفر کرنا ہے. تو یہ میں آپ سے کہوں گا کہ تنظیم کا ایک جو ہے مضبوط ہونا ہر سطح کے اوپر وہ بڑا بڑا ضروری ہے. اور یہ جو آج بتایا ہے بھاٹ صاحب نے، قاسم ریاض بھاٹ صاحب نے جو بتایا ہے کہ یہ ویڈیو کی صورت میں اور کتاب کی صورت میں آپ کے لیے جو ہے نا یہ دن رات آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ یہ سارا مرحلہ جو ہے خوش سلوبی کے ساتھ اور بڑے بڑے تندہی کے ساتھ، بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ یہ جو اسٹیج جو ہے یہ اس کو آپ عبور کریں، اور اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے الیکشن جو انشاءاللہ تعالی شفاف ہوں گے، وہ اس میں آپ کا جو رزلٹ ہوگا، ووٹ کی جو عزت ہوگی، ووٹ کی جو ہمت حرمت ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے بحال ہوگی. اس طرح یہ ابھی ترانہ لگا ہوا تھا کہ ووٹ کی تذلیل نہ کرو، جب دھاندلی ہوتی ہے تو ووٹ کی تذلیل ہوتی ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے ووٹ کے ساتھ، اگر آپ کی جو ہے کمٹمنٹ ہے پارٹی کے ساتھ، پارٹی قائد میاں نواز شریف کے ساتھ لازوال اگر آپ کمٹمنٹ ہے، تو یہ مرحلہ جو ہے آپ اسی طرح اسی کمٹمنٹ کی طرح، ایک فرض کی طرح، ایک نہایت عام فرض کی طرح اس کو نپٹائیں جو ہے یہ جو ووٹوں کا اندراج اور اخراج اور تصدیق ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ. میں نے اپنی باتیں جو ہیں اس میں بھی جاری رکھی ہیں، میں